हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं ट्रैवल विद कृष्णा ठोकरी। तो गाइस, कैसे आप सब? मैं आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। देवभूमि उत्तराखंड में आपका स्वागत है गाइस। तो अभी हम आ रखे हैं गाइस, यहाँ पे बहुत ही फेमस मंदिर है। जब हम हरिद्वार से देहरादून की तरफ जाते हैं गाइस, तो यहाँ पे एक बहुत ही फेमस मंदिर पड़ता है रस्ते में ही। ये टोल फ्री से थोड़ा सा आगे जाके ये मंदिर पड़ता है गाइस। मणि माई का मंदिर है, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है गाइस। तो आइए चलते हैं, मंदिर के दर्शन करते हैं और इस मंदिर की संपूर्ण जानकारी भी मैं आपको बताऊंगा गाइस। तो बने रहिए मेरे साथ और चलिए चलते हैं। ये आप देख सकते हैं गाइस, ये दिल्ली टू देहरादून हाईवे रोड है और यहीं पे पास में टोल फ्री है। टोल फ्री से जस्ट 500 मीटर की दूरी पर जब हम देहरादून की तरफ जाएंगे तो ये बाएं हाथ में ही आपको मंदिर दिख जाएगा रास्ते में। और यहाँ पे बोर्ड भी है गाइस, लिखा हुआ आपको बोर्ड दिख जाएगा। ये आप देख सकते हैं मणि माई मंदिर बोर्ड लगा हुआ है। तो यहीं पे वो प्रसिद्ध मंदिर है, जो भी यहाँ पे भक्त एकदम सच्चे मन से यहाँ पे आके अरदास करता है तो उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। तो चलिए सबसे पहले मणि माई के दर्शन कर लेते हैं। दोस्तों, आपने देहरादून आते जाते यह मंदिर देखा होगा, लेकिन काफ़ी लोगों को इस मंदिर के बारे में पता नहीं है कि इस मंदिर का रहस्य क्या है और क्यों ये मंदिर इतना फेमस है। तो मैं आपको इस मंदिर की जानकारी दूंगा, तो वीडियो में बने रहिए। दोस्तों, यह मंदिर लच्छीवाला टोल फ्री से लगभग 500 मीटर की दूरी पर बाया हाथ की तरफ जंगलों के बीच में यह मंदिर स्थित है। कहते हैं कि आज से 100 साल पहले जब यहाँ सड़क का निर्माण कराया जा रहा था तो जो भी ठेकेदार इस सड़क का निर्माण करता था तो कुछ समय के बाद ये सड़क दोबारा टूट जाया करती थी और हर रोज़ यहाँ एक्सीडेंट होता रहता था। उसके बाद जो इस मंदिर के पुजारी हैं, देवेंद्रा उनका नाम है, उनके पिताजी द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया और अखंड ज्योत जलाया गया। उसके बाद यहाँ एक्सीडेंट होना भी बंद हो गया और सड़क निर्माण में भी बाधा अड़चने आना बंद हो गई। ये आप देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे भंडारे का आयोजन कराया जा रहा है। यहाँ पर किसी ने मन्नत मांगी थी कि जब भी वो मनोकामना पूरी हो जाएगी तो यहाँ आके मैं भंडारा कराऊँगा। तो उनकी मनोकामना पूरी हुई है और वो यहाँ पर भंडारे का आयोजन करा रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। मंदिर के गर्भगृह में वन देवी के नाम से यह देवी स्थापित हैं और ये यहाँ के इस वन की रक्षा करती हैं और भक्तों की हर मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। भक्तों की मनोकामना पूर्ण होने पर भक्तगण यहाँ भंडारे का आयोजन करते रहते हैं। तो जब भी आप देहरादून की तरफ जाएं तो इस मंदिर के दर्शन करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। तो ऐसी ही नई नई जानकारी आपके पास पहुंचाता रहूंगा गाइस। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। कीप ट्रैवलिंग, हैप्पी ट्रैवल, बाय।